हाँ तो गाइस ये देखिए हमारा टीवी खुल चुका है। तो ये इसमें लगी है हमारी वर्टिकल आईसी। ये अपन दूसरी डाल के देखेंगे। इसमें ये फॉल्ट एक तो अपने ये इसके वर्टिकल आईसी से आता है और सेकंड नंबर ये इससे अपना या कॉइल से आता है ये फॉल्ट। ये फॉल्ट दो चीज़ से आता है, या तो फिर या कॉइल ख़राब होगी तो आएगा, या आपका वर्टिकल आईसी ख़राब होगी तो आएगा, या आपके वर्टिकल के कंडेंसर फूले हुए होंगे तो उससे भी ये फॉल्ट आता है। तो पहले अपन वर्टिकल आईसी को डाल के देख लेते हैं। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं आईसी को। ये हमारा सॉल्डर गरम हो रहा है, अभी थोड़ा कम हुआ है गरम। तब तक आप लोग जाके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ सब्सक्राइब कर दिया हो तो आ जाइए फटाफट। अब होम स्क्रीन पे हमारा आयरन गरम हो चुका है। देखिए अब हम इसको आईसी को निकालना सिखाएंगे आपको, दूसरी डाल के बताएंगे। ये इसको हम सोल्डर गन की सहायता से निकालेंगे ताकि इसके प्रिंट खराब ना हो। ये सोल्डर गन है हमारा,
शोल्डर को खींचने वाला। थोड़ी देर लग जाए तो ठीक है, लेकिन आईसी को बहुत सावधानी और आराम से निकालना होता है ताकि इसकी प्रिंटें ना उखड़े। प्रिंटें बहुत बारीक बारीक होती है इसमें। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा आईसी निकल चुका है। जिसका नंबर है LA78040। थोड़ा भी रिपेयरिंग रूम में लाइट कम होने की वजह से आपको ढंग से थोड़ा नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। ये 7840 आईसी है अपना, वर्टिकल आईसी। हाँ तो ये हम आईसी का डब्बा निकाल के लाए हैं। ये इसमें हमारी वर्टिकल आईसी है 78040। 78040 की जगह 78045 भी लगा सकते हैं। हाँ तो चलिए हम आईसी डाल के देखते हैं।
नहीं है, इसी की टांगे थोड़ी बहुत आड़ी तिरछी होने की वजह से पूरी लग नहीं पा रही है। इसको हम यहाँ से सेट करते हैं पीछे से लगा के। अब हम इधर से लगाएंगे वापस इसको। इसकी सभी टांगे सेट हो चुकी है। हाँ तो गाइस बहुत ही आराम से बिठाना है इसको अपने को आईसी को। ये अपना सैमसंग का टीवी है, इसमें अधिकतर वर्टिकल आईसी ही उड़ता है। आईसी डालने के बाद में सोल्डर मार के अपन चेक करते हैं, उसके बाद में देखेंगे इसमें क्या दूसरी बीमारी प्रॉब्लम है। तो चलिए हम किट को उल्टा करते हैं और इधर से हम सोल्डर मारते हैं इस पे। अब हम इसको ब्रश से थोड़ा साफ करके देखते हैं ताकि कोई प्रिंट है आपस में टच तो नहीं हुई है। अपने सही साइड एक्यूरेट तरीके से आईसी लग चुकी है। ये इसकी प्रिंट जो है कोई फॉल्ट शॉर्ट सर्किट हो जाती है अगर ये टचिंग में आ जाती है तो। ये दोनों जैसे आपस में टच हो जाती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कंप्लीट लग चुकी है अपनी आईसी। अब अपन टीवी को ऑन करके देखते हैं अपना फॉल्ट ठीक हुआ है या नहीं, वरना फिर दूसरी बीमारी अपने योक कॉइल से चेक करेंगे। विकेट बनने कर जाओ तो ले आओ अभी कैमरा मोबाइल क्या ले रहा चलो चालू कर ये बता मार लगा रहा था कहीं बता दी बंद कर दे दी अबे कहीं भाई नहीं चली लगा था कहीं चालू करो आज पे। हां, पासी लगे थे चल।
स्क्रीन की तरफ। ये देखिए, ताकि पहले अपना चौड़ा पट्टा आ रहा था वर्टिकल लाइन का, और अब केवल एक वर्टिकल लाइन ही आ रही है, मतलब अपनी आईसी काम करने लग गई है। इसमें और भी कोई फॉल्ट है, चलिए हम उसका सलूशन करके बताते हैं। अपन बेस को निकालते हैं बिल्कुल आराम से हिला के। फिर आराम से अपने योक को निकालते हैं। ये अपनी रिंग ओपन हो चुकी है, और अब अपन इसको योक को ओपन कर लेते हैं। इसको हल्के से उठाएंगे, चिपका हुआ है ये, एकदम से खींचने में योक टूट सकती है। ये देखिए, हमारी योक फ्री हो चुकी है। ये अंदर से एक हिस्सा इसका पूरा ब्लैक हो चुका है, वैसे ब्लैक ही आता है थोड़ा, लेकिन इतना ब्लैक नहीं आता है, ज़्यादा ब्लैक हो चुका है। चलो हम आपको ये डाल के चेक करते हैं। तो अपन दूसरा वाला योक लगा लाते हैं, तब तक आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ तो दोस्तों, ये हम दूसरा योक लेके आए हैं, इसको लगा के चेक करके दिखाते हैं आपको। अगर ये फॉल्ट इससे भी ठीक नहीं हुआ तो फिर हम दूसरे तरीके से आपको इसको ठीक करना बताएंगे। पहले तो मेन चीज़ होती है इसकी वर्टिकल आईसी और योक कॉइल।
इसके वायर भी सब लगे हुए हैं सही चार्ट। इसको अपन वापस अटैच कर देते हैं। अब इस पे अपन वायर सोल्डर करेंगे। अब अपना ये जो पुराना वाला कॉइल है जो अंदर से निकाला था इसके वायर को हम इस पे लगाएंगे। अब अपना ये रेड वाला वायर ये 110 सप्लाई का वायर है जो ESD से आता है 110 वॉट सप्लाई का। हाँ तो दोस्तों ये हमारे चारों वायर लग चुके हैं। ये एक वापिस थोड़ा निकल गया है, इस पे ऑलरेडी कवर लगा हुआ है। अपन कवर ओपन कर देते हैं ताकि सही ढंग से सोल्डर हो सके। ये हमारा सोल्डर हो चुका है। अब हम देखते हैं IC हम पहले डाल चुके हैं। पहले चौड़ी पट्टी आ रही थी तो वो H लाइन V लाइन वर्टिकल लाइन में बदल चुकी थी पतली लाइन में। अब अपन योक कॉइल डाल चुके हैं इसके। एक बार फिर TV को अपन सीरीज में लगा के चेक करते हैं। देखते हैं स्क्रीन पे क्या दिखाई देता है। स्क्रीन पे वो की वही प्रॉब्लम आ रही है जो पहले वाली है। इसका मतलब हमारा योक कॉइल ठीक है। फिर भी वही प्रॉब्लम आ रही है, मतलब हमारा योक कॉइल जो पुराना जो अंदर से निकाला था वो चालू था। उसको अपन वापस डाल देते हैं। इसको योक कॉइल इसकी जो निकाली थी वही डालते हैं अपन और फिर
फिर आपके सामने वीडियो जारी रखते हैं, अगला फॉल्ट दिखाते हैं। ये कोयल अपन ने योक कोयल वापस वही डाल दी है। अब हम इसमें ये जो हमारा वर्टिकल आईसी डाला था, वर्टिकल आईसी पे दो कंडेंसर लगे हुए हैं हमारे, ये वाले, ये दो कंडेंसर लगे हुए हैं 1000 mmD 25 वोल्ट के। ये दोनों कंडेंसर खुले हुए नहीं है, लेकिन आईसी से अपना सोल्यूशन दूर नहीं हुआ है। तो अपन ये दो कंडेंसर डाल के देखते हैं, 1035 1025 कोई सा भी लगा सकते हो यहाँ पे, तो 1035 के दोनों कंडेंसर डाल के देखते हैं और फिर देखते हैं क्या कंडीशन होती है इसकी। तो चलिए अपन ये कंडेंसर खोल लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये हमारे दोनों कंडेंसर ओपन हो चुके हैं। इसमें ये लगे हुए हैं पहले वाले 100 mmH 50 वोल्ट के लगे हुए हैं। चलिए अपन कंडेंसर डाल देते हैं। ये हमारे 150 के कंडेंसर मिल गए हैं, 35 के डल जाते हैं, लेकिन इसमें 50 के डले हुए हैं सैमसंग में, तो हमारे पास 50 के ही मिल गए हैं। ये डाल के देखते हैं क्या कंडीशन बताता है। वो पुराने निकले हुए हैं, हाँ तो दोस्तों, ये हमारे दोनों कंडेंसर डल चुके हैं। अब इसमें आपको हम बता देते हैं कि वर्टिकल लाइन, एच लाइन जो टीवी पे स्क्रीन पे आड़ी लाइन जो आती है वर्टिकल लाइन, उसके लिए मेन फॉल्ट क्या है। उसके लिए एक तो अपनी ये वर्टिकल आईसी है, मेन तो वर्टिकल आईसी की ये एक तरफ चार टांगे और एक तरफ जो इनकी तीन टांगे हैं, तीन टांगों की तरफ बीच वाली जो टांग है, बीच वाले पॉइंट पे अपने -15 वोल्ट आएंगे। माइनस यानी मीटर की कार्ड को उल्टी लगा के चेक करना है, लाल वाले वायर को अर्थ पे लगा के और काले वाले को इस पे लगा के उल्टे से चेक करना है, तो इस पे -15 वोल्ट आएंगे। और ये जो दोनों आजू बाजू की टांग है, इन पे +15 वोल्ट आएंगे। ये +15 वोल्ट अपने निकलेंगे, यहाँ से एक जंपिंग जम्पर लगा हुआ है, और जम्पर के बाद में ये यहाँ से कंडेंसर लगा हुआ है, और ये अपना आ गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है ESD की एक नंबर टांग से। तो ESD की एक नंबर पिन पे अपने 15 वोल्ट आएंगे,
ईएसटी की एक नंबर पिन से 15 वोल्ट जो है वर्टिकल सप्लाई जाती है अपनी, ये एक रेजिस्टेंस लगने के बाद में। तो मेन इस रेजिस्टेंस को चेक करना है, इधर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं, इधर वोल्टेज आ रहे हैं इधर नहीं आ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस चेंज करना है, पहली चीज़ हो गई। उसके बाद में अपने को सेकंड आईसी चेक करना है, आईसी देखना है। आईसी देखने के पहले ही अपने दोनों कंडेंसर जो है 50 वोल्ट के, ये दोनों चेंज करके देख लेना है अब। और उसके बाद में इनसे भी फॉल्ट ठीक नहीं हो तो उसके बाद में तीन नंबर पे अपनी आईसी डाल के देखना है। आईसी से भी अगर ये फॉल्ट ऐसा का ऐसा आए ठीक नहीं हो तो चौथे नंबर पे अपनी ये एच वर्टिकल कॉइल जो है अपनी योक कॉइल, इसको चेंज करके देख लेना है। इसमें भी अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उससे भी ये फॉल्ट आता है। अब अपन ने इसके कंडेंसर तो नए डाले हुए थे तो वो तो अपन ने इसलिए डाले नहीं थे, फूले हुए नहीं थे, तो अपन ने योक भी चेंज करके देख लिया, वर्टिकल भी चेंज करके देख लिया, ये रेजिस्टेंस भी चेक कर लिया, तीनों के बाद में भी अपना वही फॉल्ट था तो उसमें अपन ने जो है ये इस पर चालू कंडेंसर लगे हुए थे उसके बावजूद भी अपन ने फिर ये दूसरे दो कंडेंसर नए डाल दिए हैं इसमें निकाल के। अब अपन चेक करते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन आती है। अब मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए अपना टीवी। तो चलिए अपन इसको कार्ड को लगाते हैं सीरीज में। ये अपना टीवी स्टार्ट हो चुका है, चलिए अपन स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हाँ तो ये देखिए हमारा स्क्रीन आ चुका है। हाँ ऑडियो वीडियो कार्ड लगा के देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये हमारा ऑडियो वीडियो का कार्ड लग चुका है।